नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत पेपर है अंक एक छ, इसका टॉपिक है कपट। कपट को हम क्या कहेंगे? फ्रॉड। ये फ्रॉड कैसे अंकेक्षक रोकता है उसके विषय में आज हम आपसे बात करेंगे। अंकेक्षक को कपट या गबन कितने प्रकार के होते हैं इसका ज्ञान होना चाहिए। जो अंकेक्षक है उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए जो कपट या गबन जो संस्था के द्वारा किए जाते हैं वो किस तरह किए जाते हैं। अगर उसको ज्ञान है तभी वो छल या कपट रोक सकता है। अगर उसको ज्ञान नहीं है तो वो छल कपट नहीं रोक सकता। इसलिए अंकेक्षक को कपट या गबन के विषय में सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो जानकारी है तो संस्था में किस तरह से छल या कपट किए जाते हैं उसको ये जानकारी हो जाती है। साथ ही गबन का पता लगाने के लिए हिसाब किताब का पूर्ण प्रमाण, जो लेन देन किए जाते हैं उसका पूर्ण प्रमाण तथा संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन की विधियों का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जो लेन देन किए जाते हैं उसमें लेखाकर में अकाउंटेंसी में उसका पूर्ण प्रमाण होना चाहिए। मान लीजिए हमने 100 रुपए का कोई माल खरीदा है तो 100 रुपए की उसके वाउचर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर हमने बिल बनाया 100 रुपए का और जो वाउचर लगा है 80 रुपए। तो इस तरह से अगर ये इस तरह के अगर वाउचर्स बनते हैं वो गबन के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब ये है जितने का वाउचर्स है उतने, जितने का बिल है उतने का भी वाउचर्स बनना चाहिए। तो इस तरह हिसाब किताब के पूर्ण प्रमाण पर तथा संपत्ति और दायित्वों, जो हमारी संपत्तियां हैं दायित्व हैं उनका कैसे हम सत्यापन की विधियों का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो हमारी लाइबिलिटी है एसेट्स है वो उनका भी किस तरह हम उनको निकालें किस तरह उनको हम देखें उसको भी अंकेक्षक का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान के आधार पर वो छल कपट अगर संस्था के द्वारा कर्मचारियों द्वारा या अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है तो वो उससे उस वो जानकारी कर लेता है। अब यहाँ पे आता विभिन्न प्रकार के कपट जो फ्रॉड किए जाते हैं कंपनियों में वो विभिन्न प्रकार के किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः दो होते हैं। सबसे पहले होता है व्यवसायिक कपट, दूसरा होता है अन्य कपट। अब व्यवसायिक कपट में वो क्या होता है? मालिक के बिना सहमत से किए जाने वाले काम। दूसरा है मालिक की सहमत से किए जाने वाले काम, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है? हिसाब किताब में गड़बड़ी। अगर मालिक की सहमत के आधार पर किया जाता है तो हिसाब किताब में गड़बड़ी हो सकती है। अगर मालिक के सहमत से नहीं किए जा रहे तो उसमें रोकड़ का गबन हो सकता है या माल का गबन हो सकता है। ये व्यवसायिक कपट है। ये अन्य कपट में क्या है? संपत्तियों का गबन। जो अन्य कपट है जो संपत्तियां हैं उनको हम बेच देते हैं, जो मशीन है उनको भी बेच देते हैं, कंपनी को जानकारी नहीं या मालिक को जानकारी नहीं होता है। दूसरा है श्रम का गबन। जो मान लीजिए कंपनी में 50 लेबर लगे हुए लेकिन हमने वहाँ पे प्रपत्रों में हम 100 लेबर दिखा रहे हैं, तो इस तरह जो गबन किए जाते हैं वो श्रम गबन के अंतर्गत। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवसायिक कपट के अंतर्गत। व्यवसायिक कपट में क्या है? सबसे पहले है मालिक के बिना सहमत से किए जाने वाले काम। जो मालिक को जानकारी नहीं है, जो संस्था के अधिकारी है कर्मचारी है बिना मालिक की सहमत से वो छल कपट कर रहे हैं, तो इस तरह जो भी कार्य किए जाते हैं तो बिना मालिक की सहमत से किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः दो गबन किए जाते हैं, एक रोकड़ का गबन। तो सबसे पहले है रोकड़ का गबन। मान लीजिए संस्था में 500 रुपए आ रहे हैं लेकिन जो संस्था के कर्मचारी या अधिकारी है वो मिलके सिर्फ 200 रुपए का वहां पे रोकड़ बही में उसका पोस्टिंग कर रहे हैं दिखा रहे हैं, ठीक। तो इस तरह जो गबन किए जाते हैं वो रोकड़ का गबन कहा जाता है। दूसरा है माल का गबन करना। मान लीजिए कंपनी में माल आ रहा है 500 टन, हम उसको दिखा रहे हैं 700 टन, या कंपनी में माल भेज रहे हैं बाहर भेज रहे हैं 700 टन, दिखा रहे हैं 500 टन। इस तरह से जो भी ये माल में गबन किए जाते हैं वो माल के गबन के अंतर्गत कहे जाते हैं। ये किसमें आते हैं? व्यवसायिक कपट में मालिक के बिना सहमत के आधार पर इस तरह के रोकड़ कपट भी जो संस्था के अधिकारी कर सकते हैं कर्मचारी कर सकते हैं, और जो दूसरा है माल का गबन कर सकते हैं। यानी कि ज़्यादा माल हम भेजते हैं लेकिन हम कम माल को अपने बैलेंस शीट या उसमें लेखांकन में हम शो करते हैं, अकाउंटेंसी में हम शो करते हैं। इस तरह के ये दो कपट बिना मालिक की सहमत के आधार पर किए जाते हैं।
इसी में दूसरा है मालिक की सहमत से किए जाने वाले कपट जो है, जो मालिक के संज्ञान में जो कपट किए जाते हैं, जो मालिक है संस्था के अधिकारी हैं कर्मचारी हैं इनके सहयोग से जो कपट किए जाते हैं, इसमें क्या है हिसाब किताब में गड़बड़ी करना। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, तो हम उनमें बड़ा चढ़ा के इंतियाँ शो कर देते हैं, बैलेंस शीट शो कर देते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट शो कर देते हैं, एक्चुअल में होते हैं वो कम, लेकिन हम उनको ज़्यादा शो कर देते हैं। जब हम ज़्यादा शो कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट लॉस ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्चुअल में वो होता कम है, लेकिन हम जब हम इस तरह गमन करते हैं, इस तरह वो करते हैं, तो हम ज्यादा शो कर देते कि हमारी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। तो ये मालिक की सहमत से किए जाने वाली गड़बड़ी होती है, उसमें हम इस तरह से ये इसमें होता है। जो अन्य कपट किया, संपत्तियों का गमन करना। अब संपत्ति क्या है, कोई मशीन है उस कंपनी के अंदर है, उसमें मशीन है, क्या किया उसमें है, उन मशीनों को चुपचाप बेच डाला, कर्मचारी अधिकारियों ने मिलकर बेच डाला बिना मालिक की सहमत से, मालिक को कोई जानकारी नहीं, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी जो है मिलके वो संपत्तियों को बेच रहे हैं, उनकी जो जो एसेट्स है उनको वो बेच रहे हैं, मशीनें बेच रहे हैं और जो संपत्तियां हैं धीरे धीरे वो बेच रहे हैं, लेकिन उन कंपनी के मालिक को जानकारी नहीं। इस तरह की ये अन्य कपट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है श्रम का गबन करना। श्रम के जो कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 50 कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन संस्था के जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं वो जो उसमें अपने प्रपत्रों में जो है अकाउंटेंसी में जो भी है उसमें लेखा पुस्तकों में वो 50 की जगह 100 लेबर दिखा रहे हैं या 70 लेबर दिखा रहे हैं। तो जो इस तरह के जो वो दिखाते हैं 20 लेबर या ज़्यादा दिखा दिया या 50 लेबर ज़्यादा दिखा दिया, जो इनका पैसा होता है वो स्वयं हजम कर लेते हैं, एक्चुअल में कर्मचारी कम होते हैं और दिखाते हैं ज़्यादा। तो इस तरह के जो भी गबन होते हैं वो श्रम का गबन, इसमें संस्था का लॉस होता है और कर्मचारी इस तरह अपने निजी हित के लिए इस तरह का श्रम का गबन करता है। इस तरह जो गबन किए जाते हैं वो श्रम गबन के अंतर्गत आते हैं। तो जो अंकेक्षक होता है, जो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो इन गबनों के विषय में अगर उसको जानकारी है, इन छल कपट के विषय में जानकारी है और संपत्ति और दायित्वों के विषय में अगर उनको जानकारी है, उनका वर्गीकरण के विषय में जानकारी है, तो वो बड़े आसानी से ही छल कपट को रोक सकता है और पकड़ सकता है। तो इस तरह जो अंकेक्षक होता है उसको बहुत इन छल कपट के विषय में ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर उसको ज्ञान है तो कंपनी की छल कपट जो भी संस्था के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं वो बड़ी आसानी से वो पकड़ सकते हैं, और संस्था की वस्तु स्थिति के विषय में जो संस्था के मालिक द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है उसकी वस्तु स्थिति के विषय में संस्था के मालिक को बताने का प्रयास करता है। तो इस तरह आपने देखा कि अंकेक्षक को बहुत ही योग्य होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति बड़े चतुराई से छल कपट कर रहा है, बड़ी बारीकी से कर रहा है। अगर सामने का व्यक्ति अंकेक्षक जो है उसके पास अगर सही अगर उसको ज्ञान है तो वो बड़े आसानी से पकड़ लेता है, अगर उसको पास इन छल कपटों के विषय में जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, तो वो इन छल कपटों के विषय में पकड़ने में वो असफल रह जाता है। और जो संस्था के कर्मचारी हैं अधिकारी हैं वो निरंतर इस तरह के गबन करते रहते हैं। तो इसलिए जब भी अंकेक्षक को नियुक्त किया जाए तो उसको इस तरह के इस बात पर ध्यान रखा जाए कि उसको ज्ञान होना अति आवश्यक। अगर उसके पास ज्ञान है छल कपटों के रोकने के विषय में तो वो बड़ी आसानी से ही जो अगर कोई भी संस्था के अंतर्गत कोई भी अगर छल कपट किया जा रहा है तो बहुत ही आसानी से वो रोक सकता है, और संपत्ति और दायित्वों के निर्धारण में भी उसको ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह आपने देखा जो अंकेक्षक होता है उसको बहुत ही योग्य आज के समय में होना चाहिए, अगर वो योग्य व्यक्ति है तभी वो छल कपट रोक सकता है। तो आज के लिए इतना ही।